उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से एक हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ फूड डिलीवरी में हो रही देरी के चलते एक डिलीवरी बॉय ने रेस्टोरेंट मालिक को गोली मार दी। दरअसल कोतवाली बीटा टू क्षेत्र की मित्रा सोसाइटी में स्थित ऑनलाइन फूड रेस्टोरेंट के मालिक की ऑर्डर में देरी होने के कारण हुए विवाद में स्विगी के डिलीवरी बॉय ने गोली मार कर हत्या कर दी। पुलिस घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी स्विगी के डिलीवरी बॉय की तलाश कर रही है। पुलिस ने बताया कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ग्रेटर नोएडा के मित्रा सोसाइटी में सुनील ऑनलाइन फूड डिलीवरी का झमझम के नाम से रेस्टोरेंट चलाता था। मंगलवार रात करीब 12:30 बजे ढाबे पर काम करने वाला नौकर नारायण और डिलीवरी बॉय के बीच विवाद हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि मंगलवार रात स्विगी का डिलीवरी बॉय चिकन बिरयानी और पूरी सब्जी का ऑर्डर लेने आया था। इसमें चिकन बिरयानी का ऑर्डर तो उसे दे दिया गया था, जबकि पूरी सब्जी का ऑर्डर में कुछ समय लगने की बात नौकर नारायण द्वारा बताई जा रही है। आरोप है कि नशे में धुत डिलीवरी बॉय ने नौकर के साथ एक ऑर्डर में देरी होने की वजह से गाली गलौज करनी शुरू कर दी। इस पर रेस्टोरेंट संचालक सुनील मौके पर आ गया और विवाद खत्म करने का प्रयास करने लगा। आरोप है कि अपने एक साथी की मदद से डिलीवरी बॉय ने सुनील के सिर में गोली मार दी, जिससे सुनील मौके पर ही गिर गया। गोली लगने के बाद ही नौकर नारायण अपने साथियों के साथ मिलकर मालिक सुनील को घायल अवस्था में यथार्थ हॉस्पिटल ले गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो वहीं घटना के बाद से ही आरोपी डिलीवरी बॉय फरार है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस का दावा है जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।